से कांग्रेस को ऑक्सीजन मिलती दिख रही है। क्या यह यात्रा पार्टी को देश भर में 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़त दिला पाएगी? देखिए, इस यात्रा का उद्देश्य 2024 नहीं है। इस यात्रा का उद्देश्य है एक बड़ा परिवर्तन लाना, और लोकतांत्रिक भारत का जो रास्ता था संवैधानिक लोकतंत्र का, उसको बचाना। और जिन मूल्य और मान्यताओं पर भारत का स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया, उन मूल्य और मान्यताओं को जिनको नष्ट किया जा रहा है, उनको बचाना, और एक सहिष्णु भारत बन सके ताकि जो तरक्की का रास्ता हमने पकड़ा था वो अपने गंतव्य तक पहुंच सके। गुजरात, यदि स्थितियां सामान्य होती हैं तो फिर उसका जो फायदा जाना है वो कांग्रेस को जाना है। अब ये सब काम के लिए प्रश्न उठता है कि यात्रा ही क्यों, और भारत जोड़ो। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि इस समय ये भारत के बुनियादी मूल्यों को बचाने की भी यात्रा है, तो इसलिए भारत जोड़ो से कोई बेहतर शब्द हो नहीं सकता था। तो हमने यात्रा को ही क्यों चुना? हम राजनीतिक दल के रूप में और चीज़ें भी कर सकते थे। यात्रा का चुनाव इसलिए करना पड़ा कि दूसरे माध्यम, जिन माध्यमों से आप लोगों तक पहुँचते, अपने व्यू पॉइंट को पहुँचाते और एक संघर्ष खड़ा करते, एक वातावरण बनाते, एक परिवर्तन लाते, वो माध्यम तो सब कब्जे में है। हर तरीके के मीडिया पर, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी, सोशल मीडिया की एक वीकनेस है कि वो किसी को मना नहीं कर सकता है। तो आप साधनों से यदि 1 लाख लोग ऐसे इंगेज कर दीजिए जो आपको केवल वही सब दिखाना चाहें जो उनके हित में है या किसी और के हित में है, तो आप वही देखेंगे। आप किसी की छवि को बिगाड़ना चाहें, आप दिन को, यदि सोशल मीडिया तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है जो दिन को यदि कोई रात भी कह दे तो 1 मिनट के लिए आदमी ये विश्वास करने लग जाएंगे, क्योंकि एक के बाद एक जो है लगातार, यदि ये कहेंगे भाई रात हो गई, तो आदमी की मानसिकता बदल जा रही है। तो सोशल मीडिया से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर साधन पर कब्जा हो गया। पार्लियामेंट या तो बैठती नहीं है, या बैठती है तो वो डिलीवरेट नहीं करती है। आप वहाँ से कुछ मैसेज, और फिर वहाँ कुछ करते भी हैं जब, तो वो लोगों के बीच में पहुँचाने का माध्यम जो है वो, तो उस पर तो उसी लोगों का कब्जा है, या एक राजनीतिक दल, एक संगठन विशेष का कब्जा है। आप के पास रास्ता केवल एक था कि आप सीधे पब्लिक के बीच में चले जाएं। तो इसलिए कांग्रेस ने और राहुल गांधी जी ने ये रास्ता तय किया, और ये रास्ता एक तपस्या भी है, और उस तपस्या, एक तपस्वी के रूप में राहुल गांधी जी का एक नया अवतार लोगों को दिखाई दे रहा है। जैसे हम लोगों ने भी उदयपुर में ये यात्रा प्लान हुई थी, किसी ने इस बात की कल्पना नहीं की थी कि इसका ये भी एक स्वरूप होगा। बल्कि जिस तरीके से एक नियमित सन्यासी के तरीके से राहुल गांधी जी इस यात्रा में जुटे हैं, तो उससे
एक नया अवतार, एक नया राहुल गांधी इवॉल्व होकर के है। वही राहुल गांधी, लेकिन एक लोग जो उनका असली वास्तविक स्वरूप था, जिसको नहीं देखने दिया जा रहा था, जिसको पूरी तरीके से कैमोफ्लेज कर दिया गया था, ढक दिया गया था, और जैसा दूसरे लोग दिखाना चाहते थे उस रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था, वो सब चीज़ें हट गई। अब वो अपने स्वाभाविक स्वरूप में लोगों तक के दिखाई दे रहे हैं। ये जितने दिन यात्रा रही है उसने ये इम्पैक्ट पैदा कर दिया है। अभी तो यात्रा जारी है, उनका प्राथमिक चरण है, लेकिन इसमें जो इम्पैक्ट पड़ा है वो हमारी कल्पना से भी ज़्यादा है। आगे क्योंकि आप कुछ प्लान करते हैं ना, ये हम ऐसा करेंगे तो ये होगा, तो जो प्लान किया था उससे ज़्यादा आगे दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस रूप में, जिस नए अवतार के रूप में राहुल गांधी जी लोगों में दिखाई दे रहे हैं, और लोगों में उत्सुकता, पूर्ण स्वीकार्यता बढ़ रही है, वो चमत्कारिक है। गुजरात विधानसभा चुनाव में 9 साल पुरानी आम आदमी पार्टी मजबूती से भर रही है, जबकि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस वहाँ कहीं टक्कर में नहीं है। लोगों का कहना है कि कांग्रेस चुनाव से पहले आत्मसमर्पण की भूमिका में। बिल्कुल गलत है, वहाँ लड़ाई हमारी और भाजपा की है, और बड़ी क्लोज लड़ाई है गुजरात के अंदर। बल्कि ये फिर एक छद्म रचा जा रहा है, छद्म ये रचा जा रहा है मीडिया के सहयोग से, और कुछ ऐसी चीज़ें की जा रही हैं जिसके जरिए लड़ाई ऐसा दिखाई दे कि तो भाजपा वर्सेस आप है, जबकि आपको तो केवल वोट काटने के लिए खड़ा किया जा रहा है। जो कांग्रेस की तरफ भाजपा से वोट जा रहा है उसको रोकने के लिए, काटने के लिए खड़ा किया जा रहा है, और भाजपा अपने प्रचार तंत्र से उसको खड़ा कर रही है, पूरे उसके माध्यम से खड़ा कर रही है, और उसके लिए रास्ते देखिए कितने अजीब से रास्ते चुने जा रहे हैं। एक व्यक्ति जो एक परम आदरणीय महिला के लिए बुजुर्ग, आप उम्र से भी लगा लीजिए, तो भी कोई स्वीकार नहीं करेगा जिन शब्दों का इस्तेमाल करता है, मगर सार्वजनिक जीवन के व्यक्तियों के लिए बहुत सारी बातें सुनाई देती हैं, आती हैं, मगर इतना उसको ब्लोअप किया गया कि एक पार्टी उसकी रखवाली में दिखाई दे रही है, दूसरी पार्टी उस पर प्रहार कर रही है, और मीडिया जो है ऐसा लग रहा है जैसे कुछ दिनों से हिंदुस्तान में एक ही समस्या हो, वो मोहन इटालिया है, क्या समस्या है वो व्यक्ति है, वही समस्या हो, बाकी तो हिंदुस्तान की सारी प्रॉब्लम हल हो गई है। तो ये एक खड़ा किया जा रहा है आपको, ताकि कांग्रेस की तरफ आता हुआ वोट कुछ आप ले जाए, कुछ वो बांट ले। देखिए उत्तराखंड में यदि आप नहीं होती तो कांग्रेस की और भाजपा की नेचुरल यदि लड़ाई होती तो बहुत टक्कर की होती, तो आप वोटों का परसेंटेज देख लीजिए, 5% के इजाफे के बाद भी यदि कांग्रेस हारी है तो उसका एक ही कारण है कि उसके वोटों को शेयर कर लिया आपने, तो वही प्रयोग हिमाचल में दोहराया जा रहा है, वही प्रयोग वहाँ दोहराया जा रहा है। बस उत्तराखंड में जरा था और ज़्यादा ताकत लगाते हो, उस समय वो पंजाब में जरा सा वो हो गए, तो उनके पास जितनी मैन पावर है उतनी ताकत कंसंट्रेट कर सकते थे, इसलिए नहीं दिखाई दिया, इस समय दिखाई दे रही है। तो ये इसलिए आप कहीं नहीं है, वो केवल वोट कटवा भूमिका में है, और भाजपा ही उसकी भूमिका बना रही है, भाजपा ही उसकी भूमिका को फैला रही है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता की वापसी के क्या आसार? देखा, हम पूरा विश्वास है जिस तरीके से भाजपा ने सत्ता चलाई है, उत्तराखंड से भी वर्स्ट तरीके से चलाई है। उत्तराखंड में तो हमने सौंप दी, मगर मैं समझता हूँ कि
हिमाचल कांग्रेस इंच दर इंच लड़ रही है। और फिर दूसरा अंतर यह है कि हिमाचल कभी टेस्ट बदलने के लिए भाजपा को लाता है, उनको कांग्रेस का ही स्वाद पसंद आता है, क्योंकि अद्भुत रूप से चमत्कारिक चीफ मिनिस्टर रहे वाई एस परमा, वीरभद्र सिंह, रामलाल, और भाजपा के सबसे योग्यतम व्यक्ति थे शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल, लेकिन वो दोनों कुछ उन वो भी उनके तुलना में फीके दिखाई दिए और लोगों ने फिर से कांग्रेस की तरफ रुख किया। जब लाए भी उनको फिर कांग्रेस की तरफ चले गए। तो इस बार तो चुनौती में है ही नहीं, जो विकल्प भाजपा ने खड़ा किया वो कुछ कर नहीं पाया। यदि नड्डा खुद वहाँ चीफ मिनिस्टर बनते हो सकता है कुछ अंतर पैदा करते, हो सकता है जो है रिपीट कर देते लोग, क्योंकि अच्छी गवर्नमेंट देते तो हो सकता है लोगों को लगता। लेकिन ये कहीं पर भी वीरभद्र सिंह की तुलना में एक छाया मात्र भी जयराम नहीं दिखाई दिए। तो अब मुझे पूरा विश्वास है कि लोग उनको जयराम जी की कर देंगे। विधानसभा भर्ती घोटाले में 228 लोगों को बाहर निकालने का आदेश आ गया है, लेकिन जिनके कार्यकाल में है भर्ती हुई वह गोविंद सिंह गुंजवाल और प्रेमचंद अग्रवाल दोनों पर जनता की मांग है, जनता कह रही है, पूरे उत्तराखंड की जनता कह रही है कार्रवाई होनी चाहिए, आपका क्या कहना है? देखिए, हमारा कानून का राज्य है, तो आपको वो कानून तलाशना पड़ेगा जिसके तहत आप कार्रवाई कर सकते हैं। और एक अंतर जरूर जो है कुंजवाल जी के समय की नियुक्तियों और प्रेमचंद अग्रवाल जी के समय की नियुक्तियों में है। कुंजवाल जी के समय की नियुक्तियां जो है सरकार ने आवश्यकता बताई, विधानसभा ने प्रस्ताव भेजा, मंत्रिमंडल ने उसको अनुमोदित किया, और अनुमोदित करने से पहले रूल्स फ्रेम किए और एक चयन समिति बना करके नियुक्तियां हुई। इसीलिए माननीय हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच ने और माननीय सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच ने उन नियुक्तियों को वैध माना, उनको चुनौती दी गई, उनको उन्होंने वैध माना। उन्होंने कहा नहीं, रूल्स भी बने हैं और पहले परंपरागत तरीके से होते भी आए थे और मिनिमम चयन समिति बनाई गई है, इसलिए उन्होंने वैध मान लिया उसको। अब केवल उन्होंने अपने पुत्र को और पुत्र वधू को जो नियुक्ति दी है, जब मैंने मुझसे किसी ने कहा तो मैंने कहा इन नियुक्तियों में नैतिक बल नहीं, कानून का उल्लंघन हुआ है ये कहने की स्थिति में मुझे तर्क ढूंढने पड़े, क्योंकि जब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक बात कह चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट का के बाद तो जो है वो तो कानून की धारा रूप ले लेता है। तो इसलिए प्रेमचंद अग्रवाल जी में जो अंतर है वो ये है कि नियुक्तियां पहले हुई हैं, सरकार का अनुमोदन वित्तीय अनुमोदन बाद में प्राप्त हुआ है। परंपराओं जो थी कि केवल उत्तराखंड के स्थायी निवासियों का ही नियुक्ति होगी, उस परंपरा का पालन नहीं हुआ है और उदारतापूर्वक सत्ता के सभी शीर्ष लोगों ने अपने आत्मजों को नियुक्ति करवाई है। और कोई रिक्वायरमेंट कहीं से आई नहीं है,
सेल्फ क्रिएटेड रिक्वायरमेंट है। बल्कि मैं इस प्रकरण में जो है, जब पहली विधानसभा बनी और पहली बार नियुक्तियां हुई हैं, उन नियुक्तियों में तो सारे ही तत्कालीन सत्ता के आत्मज लोग हैं, किसी का पुत्र है, किसी की बहू है, किसी का भांजा है, किसी का कोई है, किसी का कोई है, और उनकी अर्जियन ही थी जब हमने कहा इनको आप रेगुलर कर दो भाई, क्योंकि इतना अनुभव देने के बाद अब तो राज्य उसमें इन्वेस्ट कर चुका है ना, तो हमने कहा अब इसमें क्या किया जाए, इनको आप रेगुलर करिए, आप एक इसका संस्था को, विधानसभा को जो है हम अनिश्चितता में थोड़ी डाल सकते हैं। उनको जब वो किया गया तो उनमें अर्जियन ही थी उनकी, वो तो पिक एंड चूज मेथड से सब नियुक्तियाँ हुई थी। बल्कि एक व्यक्ति जिनको जिनके नाम पर कहा जाता है कि ईमानदारी भी कसम खाएगी, उन्होंने भी इस बहती गंगा में अपने बहुत सारे आत्मजू को लगाया है। तो इसलिए वो कानून मुझे कोई विरोध नहीं है, लेकिन यदि खोज सकें तो उत्तराखंड या खोजी पत्रकारिता या बुद्धिमान लोग वो कानून खोजें जिस कानून के तहत जो है इनको दंडित किया जा सकता है। व्यक्ति जिनका नाम ले रहे हैं, और इसलिए मैंने एक ही बात कही, मैंने कहा इनमें नैतिक बल नहीं है, यदि उसको बल मिलता, हमारे इस कमेंट को बल मिलता, तो फिर पब्लिक लाइफ के अंदर आदमी को चीज़ें अनंतो गत्वा जनता के सामने जो सवाल होते हैं जिनमें आप खड़े नहीं हो सकते, तो आपको झुकना पड़ेगा। कम से कम आपको जो इस तरीके के आत्मज थे जिनकी नियुक्तियाँ नहीं होनी चाहिए थी लोग समझते हैं, तो फिर उन सबको इस्तीफा देना पड़ता है। अब उनमें से कई लोग तो इस समय जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर भी हैं जिनको नियुक्तियाँ दी गई। और आपको आश्चर्य होगा कुछ नियुक्तियों में तो लोगों को जिस पद के लिए ग्रेजुएशन और उसकी नियुक्ति होनी चाहिए थी वो हाई स्कूल पास थे लोग, उनको उन पदों पर भरा गया और उन्होंने बाद में वो एक्वायर की है, क्वालिफिकेशन एक्वायर की है जो है। तो ये इसीलिए मैंने बल्कि अपने एक वीडियो जारी किया जिसमें मैंने कहा कि जिस तरीके से हाई कोर्ट ने हमारा सम्मान बढ़ाया, अब देखिए कुंजवाल जी वाले धूलिया जी का अभी जजमेंट आया है हिजाब पर। उससे हमारी संवैधानिक व्यवस्था में देश के भी और दुनिया के भी लोगों की आस्था बढ़ी, वो एक कोरस के साथ नहीं गए, वो उससे हट करके उन्होंने चीज़ों का विवेचन किया है और संविधान क्या कहता है और वह उस चीज़ों को ले लिया है, तो उससे हमारा सम्मान बढ़ा है। दल में बड़े योग्यतम लोग आए, जीवन भर की बड़ी पूंजियों के साथ और बड़ी संभावनाओं के साथ लोग आए, मगर वो नहीं हो पाए ना विधानसभा जो है अपनी प्रतिभा के साथ या अपनी अपेक्षाओं के साथ न्याय कर पाई, और ब्यूरोक्रेसी में भी एक से एक काबिल ब्यूरोक्रेट ऑल इंडिया लेवल पर भी जिनको सराहा गया, लेकिन वो लोग भी अपनी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं कर पाए। तो ये संस्थागत जो गिरावट है ब्यूरोक्रेसी में, लेजिस्लेचर में, ये भी सोचने लायक है। अब उसका उसी का रिफ्लेक्शन है, अब आप अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का देखिए ज़रा, जिन लोगों को नियुक्त किया गया है
यदि उनका बायोडाटा आप देखिए और चेक करिए तो वो जो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी नियुक्ति से भी ऊपर की पात्रता रखते हैं। और बड़ा बढ़िया, एक व्यक्ति तो 48 देशों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से गया है, घुमा है, प्रतिनिधित्व किया है। नेपाल की सरकार का सलाहकार रहा है, केंद्र सरकार का कई मामलों में सलाहकार रहा है, और यहाँ आकर के काफी मार्कशीट को खुरसने में लग गया। एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया गया तो लोगों ने कहा बस कसम खाई जा सकती है, ईमानदारी और बिल्कुल भी प्रैक्टिसेस सेक्रेटेरियल पर प्रैक्टिसेस दूसरी चीज़ों कानून की इनको बड़ी भारी जानकारी है और ये संस्था को खड़ा करने में बड़ा मदद करेंगे। और सबसे ओपन खुली बैठक के बाद जो है सचिवों की और मंत्रियों की ये नियुक्तियाँ हुई, लेकिन कौन जान क्या निकल गए। अब एक संस्था का विफलता है, बल्कि जिस संस्था की सफलता के बनाने के लिए उत्तराखंड को मुझे धन्यवाद देना चाहिए था, हाँ उसके लिए मुझे उत्तराखंड से माफ़ी मांगनी पड़ी। यूके ट्रिपल एससी हमने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बना करके जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको इस लायक बना दिया, उसको कम्पिटिटिव बना दिया। नहीं तो आप लगा लो 6 साल में जिस पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक ये 6 साल में एक नियुक्ति नहीं की, एक परीक्षा नहीं करवाई, उससे पहले भी यही हाल था। पहली बार हमने 2 परीक्षाएं करवाई और बाकी सब मुथा है। आप जरूरत थी, आप कोई भी राज्य लगभग 50,000 के करीब एडहॉक और आउटसोर्स कर्मचारियों से लदा हुआ राज्य कैसे चलेगा। तो इसीलिए हमने वॉक इन भर्ती बोर्ड बनाए, ये बनाया, सब चीज़ हमने सब इंस्टीट्यूशनलाइज की, लेकिन इंस्टीट्यूशंस फेल हो गए, फेल हो रहे। तो इस पर गंभीरता से बहस होनी चाहिए। पंतनगर यूनिवर्सिटी कितनी आउटस्टैंडिंग रेपुटेशन के साथ है, लेकिन पंतनगर आज कहाँ पर खड़ा है। आज 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 उसके जो है यदि आप उनकी डिग्रियां देखिए तो जिस दिन की डिग्रियां जो है चमत्कारिक रूप से ऐसा लगता है जैसे प्रतिभा के पुंज हैं, लेकिन उनको उनको भर्ती घोटालों में जो है पकड़े जा रहे कहाँ आ गए। तो ये सब चीज़ें जो है राज्य के लिए उत्तराखंड के लिए चिंता का विषय। यहाँ लोगों ने फोकस ये बना दिया कि गोविंद सिंह कुंजवाल ने अपने बेटे बेटी को की, और सारा मीडिया और सब इस रुचि में जुट गए कि भाई इनको कैसे गिराया जाए। और कुछ और जो मित्र थे वो पीछे से हमको भी देख रहे थे, हमको भी उसमें लपेटने के काम पर लग गए। किसी ने इस काम को देखने की कोशिश नहीं की कि ये इस संस्थागत गिरावट क्या है, इसको तो कहीं रोको, कुछ तो करो। जो यूके ट्रिपल और जब मैंने एक व्यक्ति से कहा, मुझसे वो सब कहा, मैंने कहा मैं तुम्हारे सब कानून मान लेता हूँ कि इक्वल अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं दी गई, फरहान क्यों नहीं, संविधान कहता है, लेकिन मैंने कहा विधानसभा को अधिकार है, मैंने कहा उन्होंने पहले से करते रहे हैं, लेकिन उस अधिकार का अधिकार इसलिए थोड़ी होते हैं कि मैंने कहा वो उसका दुरुपयोग कर दिया जाए। यदि दुरुपयोग हुआ है तो उस दुरुपयोग के लिए आप जो है फिर बेसिक सवालों को उठाइए। मैंने कहा एक व्यक्ति को इंगित करके तुम उठाओगे तो मैंने कहा मैं एक बात बताओ, गोविंद सिंह कुंजवाल जी की नियुक्तियों को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उचित ठहरा चुके हैं, प्रक्रिया को उचित ठहरा चुके हैं। क्या मैंने कहा आप और मैं हाईकोर्ट से ऊपर हैं? प्रक्रिया को उचित ठहराया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट को यह संज्ञान नहीं था कि गोविंद सिंह कुंजवाल जी ने प्रक्रिया तो अपनाई मगर भरा तो अपने लोगों को नहीं, उन्होंने अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो जो ना ना जो जो वादी है ना जो जो वादी है उसने बातें कही हैं, वो सब बातें आई हैं।
भले वो जजमेंट का पार्ट ना हो, उन्होंने कहा कि जो की गई है, उन्होंने कहा उनके विवेक पर था, उन्होंने अपने विवेक का उपयोग किया है और उन प्रक्रियाओं का पालन किया है, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसको उसका पालन किया है। तो कुंजवाल जी का भारी विचलन और उनके विवेक जो जो आप यदि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के जजमेंट को पढ़िए तो आपको ये लग जाएगा कि गोविंद सिंह जी के नियुक्तियों में कितना बड़ा कानूनी बल दे दी है। अब क्या करेंगे, इसीलिए मैंने जो एक कमेंट दिया निकाला नैतिक बल, जिसके बाद गोविंद सिंह कुंजवाल जी ने माफ़ी मांगी, लेकिन और लोगों ने तो माफ़ी भी नहीं मांगी राज्य के लोगों से, उनसे क्या को हुए, वो तो कह रहे मेरे गत्ते में गए। सर जो यूके ट्रिपल ए, ए, या यहाँ तो ऐसे लोग हैं जिनके तीन तीन चर्चा रिश्तेदार हैं, किससे कहेंगे, वहाँ तो कोई ऐसा नहीं है जिसने अपनों को उपकृत नहीं किया है, जो उपकृत नहीं हुआ है वहाँ नियुक्तियाँ करवा करके, ऐसा लगा शायद विधानसभा में जो नियुक्तियाँ नहीं करवा पाए हैं वो नालायक हैं, वो उन नालायकों में एक मैं भी हूँ। पर आपने नैतिक बल की बात बहुत लेट कही, नहीं पहले आप कुंजवाल जी का डिफेंस करते हुए नजर, नहीं कतई नहीं, मैंने आपकी पोस्ट में नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने पहले ही पहले दिन, मैं तो दिल्ली था, जब मैं दिल्ली से लोगों ने कहाँ है हरीश रावत, कहाँ है हरीश रावत, तो मैंने यहीं से पोस्ट डाली, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ और आ जाइए, और जब मैं पहली वो हुआ जिसमें मैंने पूरी लिस्ट भी रखी सबके सामने। आप ये मानते हैं कि कुंजवाल जी की ही प्रश्न अगर हम बात करें तो उन्होंने नैतिकता का परिचय नहीं दिया, नैतिक बल नहीं है उन नियुक्तियों में, ये तो मैं खुलेआम कह रहा हूँ, खुलेआम कह रहा हूँ, और बल्कि यदि कुछ लोग हिम्मत दिखाते कहते तो जो समाधान निकाला गया वो समाधान तो आपने नहीं है, उनकी हत्या कर दी, जिनके रक्षक थे वो संयुक्त तो सचिव हैं, कोई और बड़े पदों पर चले गए, अब लोग कहते हैं कि साहब वो तो स्थाई है, यदि मैं नकल करके आईएएस हो जाऊं, नकल करके हो जाऊं, मेरा सारा पीरियड भी निकल जाए और बाद में मैं जाली सर्टिफिकेट के आधार पर हो जाऊं, आईएएस हो जाऊं, और 20 साल बाद पता चले जब मैं भारत सरकार में सेक्रेटरी हो रहा हूं, उस समय पता चले कि ये साहब मेरा तो सर्टिफिकेट ही नकली था, तो क्या 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 मुझे प्रोटेक्शन हासिल इसलिए होगा कि मैंने 20 साल सरकार की सेवा कर ली? इससे बड़ा न्याय कुछ नहीं हो, इससे बड़ा न्याय कुछ नहीं होगा। तो फिर जो स्पीकर का जजमेंट है जिसमें उन्होंने कहा कि और स्थायी हो गए हैं, बिल्कुल सही बात है, तो किसी में क्या उत्तराखंड में पत्रकारिता में इतनी हिम्मत है कि किसी ने कहा कि नहीं क्या कर रहे हो, ये क्या है, आप करिए ना करिए, मगर आप एक कुछ काम तो इलॉजिकल होते हैं, गोविंद सिंह जी की नियुक्तियां लॉजिकल ना लीगल हो सकती हैं मगर इलॉजिकल थी, कुछ नियुक्तियां तो इलीगल भी हैं इलॉजिकल भी हैं, बिल्कुल सही बात है, उनके लिए चुप क्यों है उत्तराखंड? इसीलिए मैंने एक वीडियो डाला कि उत्तराखंड संस्थागत ह्रास की तरफ बढ़ रहा है, इस बात की अब चिंता छोड़ो कि आप हम जानते हैं बहुत सारे लोगों का कई कारणों से हमसे बड़ा प्रेम है, हाँ, लेकिन आप उस प्रेम को एक तरफ रखो, लेकिन जो सत्यताएं हैं कि संस्थाएं गिर रही हैं, खत्म हो रही हैं, राज्य के संस्थाएं गिर जाएंगी, तो आज राष्ट्रीय स्तर पर हमारी लड़ाई यही तो है कि मोदी जी के शासन में संस्थाएं जो हैं, जो संविधान को शक्ति देती थी, वो संस्थाएं खत्म हो रही, और उत्तराखंड के अंदर हम खुद अपने हाथों से अपनी बनाई हुई संस्थाओं को खत्म कर रहे हैं, ये और ये तब हो रहा है जब हमारे पास
पहला मुख्यमंत्री भी बहुत अनुभवी था, दूसरा इलेक्टेड मुख्यमंत्री भी हो तो अपने आप में जो है सब चीज़ों के मूर्तिमान स्वरूप थे, लेकिन ये सब क्यों हुआ सोचना चाहिए। और हर कालखंड की नियुक्तियों का यदि आप विश्लेषण करें, ये कहाँ की नैतिकता है कि आपने इतने लोग आउटसोर्स से ले रहे हैं आप, मतलब एक राज्य शोषक के रूप में दिखाई दे अपने बच्चों का, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का, और हमने गलती की, हमने उसको समाप्त करने की कोशिश की तो सब लोग जो है, अरे गलतियाँ आपको हमने हमारे समय में किसी ने कोई गलती नहीं की होगी, चूक नहीं की होगी, हो सकता है इंसान ही हैं, गलतियाँ होती हैं, बहुत सारी संस्थाएँ खड़ी हुई। अब वो कहेंगे साहब पंतनगर को तुमने दिया, अरे भाई अब हमको मालूम था साला जिसकी जिनका इतने लंबे क्वालिफिकेशंस हैं वो इस तरीके की गलतियाँ करेंगे, आप देखे तो उनके जरा सा बायोडाटा, आप तो आपको जानते हो, आप जरा सा उनका बायोडाटा देखिए तो सब क्या कितना आउटस्टैंडिंग है। देखो यूनिवर्सिटी से आपने किसको नियुक्त किया था? हा? चयन आयोग में किसी को नियुक्त किया था? ना, हमने पंतनगर यूनिवर्सिटी को परीक्षाएं करवाने की अनुमति दी। ओके ओके। इन आयोगों के बनने से पहले? हाँ, जब टाइम लग रहा था ना, टाइम लग रहा था ना, यहाँ तो प्रमोशन ही नहीं हुए थे। पटवारी की एक बार भर्ती हुई उत्तर प्रदेश से, बौरो चेकबंदी सिस्टम से काम चला रहे थे आप, जब आपके पास अमीन ही नहीं थे, बिना अमीनों के सड़कों के प्रस्ताव नहीं जाते थे, दूसरी चीज़ों के प्रस्ताव नहीं जाते थे, मगर इतना रुग्ण राज्य था, मैंने उसमें ये कोशिशें की कि ये व्यवस्था का सुधार आए। जब आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं तो कभी गलतियाँ होती हैं उसमें, इसलिए मैंने कभी दावा नहीं किया कि मेरी सरकार, या मैंने बहुत साफ पाक, हाँ बल्कि मैं तो कभी कभी इस बात को कहता हूँ कि परिस्थितियों ने मुझको कुछ ऐसी चीज़ें करने के लिए भी बाध्य किया जो सामान्यतः मैं नहीं करना चाहूँगा और एक मुख्यमंत्री को नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपातकाल था तो उसमें यदि किताब में भी कई बार अपनी किताब में भी आपने लिखा है, यदि मैं वो सब नहीं करता तो उत्तराखंड आज जिस स्थिति में है उस स्थिति में नहीं होता। तो असंभव दैवीय आपदा के बाद असंभव स्थितियाँ थी, उस असंभव स्थिति को संभव करने के लिए कभी आपको बहुत सारी चीज़ें भूल जानी पड़ती हैं। एक व्यक्ति, जो व्यक्ति पूरी कोशिश कर रहा था एक सर्टिफिकेट लेने की कि डॉक्टर ये दे दें कि हरीश रावत जन्म भर के लिए भी क्रिपल हो सकता है, ये लिख दो ताकि एक्टिंग मुख्यमंत्री तय हो सके। मैंने उस व्यक्ति को प्रमोट किया क्योंकि मेरी व्यक्तिगत पसंद नापसंद का सवाल नहीं था, काम लेने का सवाल था, काम डिलीवर कौन कर सकता है, एक परिस्थितियां है, उन परिस्थितियों में जो डिलीवर कर सकता है तो उसको चयन करना पड़ता है। तो आप जब किसी चीज़ों का विवेचन करते हैं तो उन परिस्थितियों में करिए। आप यदि सब अपने किताबी ज्ञान के साथ आज विश्लेषण करेंगे तो नहीं होगा, अब उन परिस्थितियों में इस व्यक्ति को क्या, इस व्यक्ति का विवेक उचित था, इसने जिन जिन का जिस बात के लिए अपने विवेक का उपयोग किया वो राज्य के हित में थी, ये कुछ सोचने की धारणा होनी चाहिए। इसीलिए जो अपेक्षा चौथे स्तंभ से थी, हमारे पास एक से एक ब्रिलियंट पत्रकार हैं, लेखने के भी बुद्धि के भी बड़े धनी हैं, ईमानदारी के भी धनी हैं, लेकिन
उन सबकी पहचान के, राष्ट्रीय पहचान के रूप में जो व्यक्ति है वो, उसने उत्तराखंड के अंदर स्टिंग कल्चर का जनक है। तो ये किसी कोई इंस्टीट्यूशन तो ऐसा हो जिस इंस्टीट्यूशन से ये लगे नहीं ये इंस्टीट्यूशन हमको इस परिस्थिति से बाहर निकाल देगा, तो उसके लिए उत्तराखंड की जो लड़ाई होनी चाहिए अगले 5 साल वो संस्था बचाने की होनी चाहिए, संस्थाओं को बचाने की। ठीक है, उत्तराखंड नहीं, उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग जो आपकी सरकार का बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, स्थापना आपने की, लेकिन जब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ये कहते हैं कि ये जो इसका जो स्थापना हुई उसी पर सवाल खड़े करते हैं, उसकी मनसा ही गलत बताते हैं, तो आप कहते हैं कि जो धामी की धूम हुई और रावतों का रावत नहीं चला गया। लेकिन जो बात मैंने कही है वो अकेले में जब उन्होंने उस पर सोचा होगा, मैंने कहा कि हमने जांच बिठाई, जांच रिपोर्ट आ गई, एक्शन लेने से पहले हमारी सरकार चली गई, SIG भी तो हम ही ने गठित की। लेकिन ये अलग बात है कि यह दूसरी बदल दी गई, आपने SIG की जगह पर मामला जो है विजिलेंस को क्यों दिया, और विजिलेंस से किसी ने पूछा उत्तराखंड के अंदर आने वाली सरकार ने कि तुम्हारा दायित्व तो क्या था? इंटेलिजेंस और विजिलेंस दोनों को हमारी तरफ से इन वो थे कि आप ये चयन आयोगों के ऊपर कड़ी निगाह रखिए, और बीच में जब कुछ संकेत गलत मिलने लगे तब हमने बुला करके कहा, ADG रैंक के लोग थे उनसे कहा कि आप इन चीज़ों को देखिए, किसी ने कोई कह नहीं सकता, किसी ने कहा बताओ कि आयोग में हो क्या रहा है। लेकिन ये हमारी बचत केवल इतनी है कि हमने रद्द की परीक्षा, हमने जांच बिठाई सबकी, तो त्रिवेंद्र सिंह जी कहाँ बैठे रहे भैया? तो आज धामी उसकी पत्रकार लिख दे रहे हैं कि धामी की धूम, तो भाई काहे की जलन, जब रावत उस पर है, एक रावत को मौका नहीं, एक रावत की सरकार चली गई, दूसरा रावत यूँ देखते रहा उस कागज को 6 साल 5 साल, क्या हुआ उसको, ये सवाल तो है। और दूसरा सवाल जो बड़ा है कि साहब ये संस्थाएं गलत है कहना, मतलब बाप का बनाया हुआ घर है, चौखट पर जरा सा सर लग जाए तो क्या मकान को तोड़ देंगे? बताइए, तोड़ देंगे क्या? लेकिन अगर उसमें दीमक लग जाए चौखट में, बदलना चाहिए, चौखट बदला जा सकता है लेकिन मकान तो नहीं तोड़ा जा सकता है। अब ये बात बताइए, विधानसभा में इतनी गड़बड़ियाँ हुई पहले से लेकर के अभी तक, तो इसका मतलब विधानसभा भंग कर दो, उत्तराखंड में विधानसभा नहीं होनी चाहिए। यदि त्रिवेंद्र सिंह जी के आर्गूमेंट को माना जाए तो फिर विधानसभा भी नहीं होनी चाहिए। पंतनगर यूनिवर्सिटी के अंदर एक के बाद एक घोटाले हो गए हैं, तो इसका मतलब पंतनगर यूनिवर्सिटी को भी बंद कर देना चाहिए। यदि ये सॉल्यूशन है, ये त्रिवेंद्र सिंह जी का जो फॉर्मूला है, तो इसीलिए मैंने बात कही। आपके पुत्र आनंद रावत जी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी में और अपने आप में कंपेयरिंग करते हुए कहते हैं कि मेरे जो गुरु थे उन्होंने मेरा अंगूठा मांग लिया और उनके गुरु थे द्रोणाचार्य, उन्होंने उनको कहां से कहां पहुंचा दिया। तो कहीं ना कहीं एक बेटे के मन में टीस है कि जो उसको मिलना चाहिए था, जो जहां तक पहुंचना चाहिए था, कहीं ना कहीं आप उसमें रोड़ा बने, कहीं ना कहीं आप उनकी राह में बाधा बने। जो धर्म कहता था हमने वो किया, हाँ चल रहे, जो धर्म कहता था वो हमने किया, बस 5 मिनट। लेकिन और मगर ये सत्यता है कि उन्होंने 3 जगह मेहनत की थी। यदि
निर्णय करने का मेरा अधिकार नहीं होता, केवल मेरे हाथ पर नहीं होता, किसी और के हाथ पर होता तो फिर निर्णय उसके पक्ष में होता, मैं भी उसका वकील होता। लेकिन निर्णय उस समय तीनों बार परिस्थितियाँ ये थी कि मेरे हाथ में था, तो मैंने उसके पक्ष में नहीं किया। और उसकी कंप्लेंट सही है, लेकिन अब आज दिक्कत यह है कि हर कोई उससे हमारे सहयोगी जिनको हमने खड़ा किया, जिनको बनाया, वो खौफजदा रहते हैं। राजनीति का वो है, हकीकत है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि विपरीत परिस्थितियों में भी, मैंने इसीलिए एक कहावत कही कि लीक लीक सब चले, लीक 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 सब चले। अच्छा। लीक मतलब अपनी लीक बनाए, सिंह शेर शाह तो ये जो सपूत, तो आप कैसे है उनका देखते हैं क्या करते हैं। यदि जमे रहेंगे तो समय सबके साथ न्याय करता है। आप सर्वेश्वर जी की कविता आनंद को समर्पित कर दीजिए, आपको भेजूंगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बड़े कवि हमारे बड़े, उनकी कविता है, लीक पर वे चले हैं जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो हमारी यात्रा से बने अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। बहुत सुंदर जो आप कहना चाह रहे। दूसरा, जो धामी जी सुबह की सैर पर निकलते हैं, लोगों से कांटेक्ट करते हैं, बात करते हैं, तो आप उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि हमारी कांग्रेस में भी ऐसा होना चाहिए, मतलब कांग्रेस के जो निष्क्रिय कार्यकर्ता हैं उनको कहीं आप जागृत करते दिखते हैं। वो कभी कभी जब दर्द असहनीय होता है तो मिर्च लगानी पड़ती है। तो हमने वही कहा है जो कहा जाना चाहिए था। और मुझे खुशी है, पहली बार ये 6 महीनों के अंदर मुझे अच्छा लगा कि जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है उसने उस टिप्पणी को पॉजिटिव वे में लेकर के कहा, ये चुनौती है हमारे लिए, विल प्रूव आवर सेल्फ। हम एक बात बताइए, मुख्यमंत्री, हकीकत तो जमीन की बदलेगी नहीं, लेकिन हमको उसका जवाब देने के लिए तो तैयार रहना पड़ेगा ना। तो मेरी सही, मैंने कोई तारीफ नहीं की है, आईना दिखाने से कि भाई इसको देखो, इस चुनौती को समझो। ऐसा ना हो कि बिना बिना कुछ किए केवल इसी से अपना काम चला जाए। अंकिता भंडारी हत्याकांड और डांडा कांडा हत्याकांड में पटवारी पुलिस की प्रणाली संदेह के घेरे में और सवालों के घेरे में, और अब सवाल उठने लगे पटवारी प्रणाली खत्म होनी चाहिए। देखिए, पटवारी सिस्टम को आप ट्रेनिंग नहीं देंगे, आपने बहुत सारे निर्णय करने थे जिससे पटवारी सिस्टम इम्प्रूव हो सकता था, आप इम्प्रूव करने के लिए कुछ किया ही नहीं। हमने जो प्रोसेस प्रारंभ की थी वो प्रोसेस वहीं रोक दी गई। मैं पहला मुख्यमंत्री हूँ जिसने पटवारी से जो है नायब तहसीलदार, तहसीलदार, कानून को, इस सारे सिस्टम को स्ट्रेंथन करने का काम किया। आपने चेन ही उनको फैसिलिटीज नहीं दी। तो यदि अब वो सिस्टम यदि ठीक काम नहीं कर रहा है, जिम्मेदारी राज्य की भी है, मगर नई परिस्थितियों में यदि आवश्यक समझते हैं, असेसमेंट ये कहता है कि रेवेन्यू पटवारी सिस्टम खत्म किया जाना चाहिए, तो राज्य सरकार विचार करे और परामर्श करके करे, इस पर एक राय होनी चाहिए, एक राय बन सकती, बनानी चाहिए। बारामूला में गृह मंत्री अमित शाह एक सभा कर रहे थे, तो बीच में अजान होती है, अजान को रुकवा, मतलब अपनी
स्पीच को रुकवा देते हैं। तो जब आपकी पार्टी ये करती थी तो ये बड़ा एक इस माहौल दूसरा बना देते थे, मुस्लिम परस्ती की बात करते थे, लेकिन अब जो हो रहा है क्या ये सियासी ग्रह मतलब धार्मिक सियासी? इकबाल ने कहा है कि ये देश में जो भी आया उस इस देश जैसा ही हो गया, हिंदुस्तान नहीं बदला। हिंदुस्तान को बदलने के लिए आने वाले बदल गए, तो उसकी अमित शाह इत्यादि जो है जो बड़ी बड़ी बातें कहते थे अनंतोगता, उनको भी उन्हीं रवायतों का पालन करना पड़ रहा है जो यहाँ की सामाजिक पृष्ठभूमि चाहती है। एक सेकुलर कंट्री के अंदर एक बड़े हिस्से के बड़े भाई, यदि आप सामाजिक समूह बड़ा है जो उसकी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को अब वो समझने लग गए हैं। ये उसका संकेत है कि भाजपा ने इस बात को माना है कि यदि हिंदू बड़े भाई हैं तो छोटे भाइयों के प्रति आदर दिखाना और उनके अंदर विश्वास पैदा करना हमारी ड्यूटी है। कांग्रेस यही तो कहती है, जिसको हमारी मुस्लिम परस्ती कहते थे, तो हम ये कहेंगे जिस रास्ते पर हम चल रहे थे उस रास्ते पर अब भाजपा ने भी कदम बढ़ा लिया है। और जो है उनका मैंने ट्वीट किया था, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ी पहल की है प्रदेश में जी, कि जो सभी विधायक है चाहे विपक्ष के हैं पक्ष के हैं सत्ता पक्ष के, सभी से 10-10 प्रस्ताव मांगे हैं कि जो आपके क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं हैं कार्य हैं 10-10 प्रस्ताव दीजिए और प्रमुखता पर उनका समाधान कराएंगे। हाँ, जो विकेंद्रीकृत व्यवस्था थी जिला प्लान की उसको समाप्त कर दिया होशियार आदमी ने जो है। पहले पूरी जिले की योजना सब विधायक मिल करके बनाते थे, इवन और लोग भी उसमें सम्मिलित होते थे। अब उसने जो है विधायकों को लॉलीपॉप दिखा दिया, तो मेरी समझ से उनके गुरु कोई अच्छे व्यक्ति हैं जिन्होंने उनको कहा कि भाई ऐसा लॉलीपॉप दिखा दो कि विधायक उसी पर अटके रह जाएं। जिला प्लान गोल, दूसरे प्लान, जितने विकेंद्रीकृत व्यवस्थाओं की चीज़ें थी जिसमें स्पेशल कंपोनेंट प्लान भी है, वो सब खत्म हो गए हैं। ये बेहतर है या ये बहुत घातक है? आप व्यवस्थाओं को नष्ट करके केवल लोगों को खुश करने के लिए कुछ करते हैं तो उससे संस्थाएं नष्ट होती हैं। संस्थाएं, सरकार रूपी संस्था भी इससे नष्ट हो जाएगी, धीरे धीरे डिकेइंग स्टार्ट हो जाएगी। आप जिला प्लान एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था थी और हमारे जैसे राज्य के लिए वो सबसे मुफीद था। स्पेशल कंपोनेंट प्लान जो गरीब तबका जिसका विकास में पार्टिसिपेशन नहीं हो पा रहा था उसको पार्टिसिपेटिव बनाने के लिए व्यवस्थाएं थी। बहुत सारी इस तरीके की क्षेत्रीय व्यवस्थाएं हमने खड़ी की थी। हमने इतने क्षेत्रीय विकास बोर्ड बनाए थे, जो एरिया हमको लगा कि अंडर डेवलप रह गया है तो उसको ऊपर लाने के लिए हमने विकास बोर्ड बनाए अलग अलग क्षेत्रों के नाम से, वो सब खत्म कर दिए। सीमांत विकास बोर्ड खत्म कर दिया, दूसरी सब चीज़ें खत्म कर दी। अब ये कह दिया विधायकों से चुप रहो, ये दस देखो। एक अंतिम प्रश्न भाई साहब, लंबा नक्शे आपको जाना है कि पिछले 5 साल इसमें 4.5 साल त्रिवेंद्र सिंह रावत की भाजपा की सरकार रही और इस युवा मुख्यमंत्री के धामी जी की सरकार, दोनों में आप क्या अंतर पाते हैं और धामी के मुख्यमंत्रित्व काल को किस दृष्टि से देखते हैं अभी तक? देखिए, वो 5 साल उत्तराखंड के लिए लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज का युग था। त्रिवेंद्र संभावनाएं त्रिवेंद्र सिंह में भी थी, संभावनाएं तीरथ सिंह में भी थी, संभावनाएं धामी वन में भी थी, लेकिन वो तो सब मुख्यमंत्री भूतपूर्व मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन उत्तराखंड ने 5 साल खोए। अब ये 5 साल हैं, इन 5 साल में एक जो सिल्वर लाइनिंग है वो ये है कि मुख्यमंत्री के पास समय भी है, स्वास्थ्य भी है, समर्थन भी है 47 का, और केंद्र की सरकार भी है,
तो आपका स्वास्थ्य ठीक हो, आपके पास समय हो, आपके पास वो हो समय पास सब सब है, तो ये सारे प्लस के बावजूद यदि उत्तराखंड में कुछ बुनियादी परिवर्तन नहीं आते हैं, सुधार नहीं होते हैं, कुछ ऐसे निर्णय नहीं लिए जाते हैं जो जो उत्तराखंड क्यों बनाई इसको सिद्ध करने की जो पहले हमने प्रारंभ की थी उन पहलों को गंतव्य तक नहीं पहुंचाती हैं, तो फिर तो यह माना जाएगा कोई ऐसी चीज़ जो आपको इस नए युवा मुख्यमंत्री में अच्छी सुनहरी चीज़ आपको नजर आई है इन सारे 5 महीनों में या इनके अंतिम पिछले कार्यकाल के 4 महीनों में, इससे आपको कुछ आशा दिखती हो? सहनशीलता, सहनशीलता, सहनशीलता। सहनशीलता का तो बड़ा व्यापक अर्थ है, किस दृष्टि से सहनशील है? दबावों को झेलने में सहनशील है या क्या ऐसी सहनशीलता से आपका तात्पर्य क्या है? देखिए सहनशीलता तो आप पे भी बहुत थी, आप जान रहे थे कि आपसे कुछ निर्णय गलत हो रहे हैं, आपने स्वयं कहा आप भी सहनशीलता से दबावों को बर्दाश्त कर रहे थे, तो धामी जी के परिप्रेक्ष्य में कैसे पॉजिटिव आपको सिल्वर लाइनिंग कैसे? देखिए एक आक्रमणी मंत्रिमंडल के साथ यदि आप चलने को तैयार हैं तो इससे बड़ी सहनशीलता क्या हो सकती है? तो बहुत घातक तक ही हो, नहीं चल सकते ले जाएंगे।